ओके स्टूडेंट्स, तो हम सब इसलिए आए हैं ताकि हम सब रिलैक्स कर सकें, एक दूसरे को थोड़ा बेहतर जान सकें। आई होप कि आप सब ने आज एंजॉय किया होगा। यस, ओके ग्रेट। तो मैंने और सरत नान ने डिसाइड किया है कि हम एक गेम खेलेंगे सो दैट वी कैन ऑल गेट टू नो ईच अदर अ लिटिल बेटर। या राइट, तो आप बताना चाहेंगे कि गेम क्या है? So, the game begins with two balls. एक में मेरे पास नाम है आप लोगों के और एक में कुछ questions. मैं randomly एक नाम पिक करूंगा और जिसका नाम निकलेगा उसको मिस ज़ारा के question का answer करना होगा। Excuse me, ma'am. इन सवालों में कहीं हमारे crushes के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा? देखिए भाई, क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं मिस ज़ारा ने, अब अगर उसमें क्रश के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया तो जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मिड टर्म्स के नंबर्स तो यू नो। ओके, शैल वी बिगिन? ऑलराइट, एनी। ओके एनी, आपकी सबसे यादगार मेमोरी क्या है? ओके, आज से कुछ साल पहले आई वेंट टू फ्लोरिडा विथ माय मॉम एंड डैड फॉर वेकेशन। तो वहाँ पे एक बहुत मैसिव और बहुत बड़ा स्टॉर्म आ गया था। इट वाज रियली बैड, इट वाज द वर्स्ट स्टॉर्म। तो मी एंड मामा बाबा वी वर लॉक्ड अप इन अ होटल फॉर 7 days देयर। पेरेंट्स के साथ इतने दिन गुजारना बहुत मुश्किल नहीं है? हाँ, आई वॉज लॉक्ड अप फॉर 7 days मामा बाबा के साथ, बट Me and my parents, we are very close. Hamari relationship hamesha se bahut healthy rahi hai. But un 5 din ke baad, wo sirf mere parents nahi the, they became my best friends. So yeah, that is my favorite memory. Okay, so the next one is Aisha. Okay, Aisha, aapka sawal hai, आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज हुई है जिसे आप रिग्रेट करते हैं? जब भी उस्मान से बात करती हूँ रिग्रेट ही होता है। ओके, सो लास्ट ईयर मेरी एक रनिंग चैंपियनशिप थी, उसके लिए मैंने 6 months तक बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की। इनिशियली मैं रेसेस जीतती भी गई। जब फाइनल रेस की बारी आई, जो लड़की मेरे मुकाबले में थी, जब मैंने उसे देखा, अब वो एज में भी मेरे से छोटी और हाइट में भी, मैंने कहा यार इससे क्या डरना है, ये तो मेरे से हार ही जाएगी। सो अब क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, सब लोग मुझे देख रहे हैं और मैं पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ कि भाई मैं तो जीतूंगी जीतूंगी। देन आई लॉस्ट, लेकिन मैंने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया और मैंने सोचा कि यू कैन नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर एंड यू ऑलवेज हैव टू ट्राई योर बेस्ट। गुड, ऐसा ही होना चाहिए। Miss Sam. Okay, and Sam, your question is, okay, personalized question लिखा हुआ है चिट पे। So Sam, आप एक बहुत strong लड़की हैं, slightly tomboyish, you know. Tell me, what made you this way? Okay, so मेरी actually दो बहनें हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे बाबा बहुत मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें अच्छी लाइफ दे सकें और अच्छी एजुकेशन दे सकें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बेटियां माँ बाप पे बोझ होती हैं और मैं इस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहती हूँ कि बेटियां एक्चुअली में बोझ नहीं होती हैं, बेटियां पेटों से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, ये मुझे लगता है। मैं अपने बाबा का बेटा हूँ, बेटी नहीं। मैम, आई कम फ्रॉम अ वेरी देसी फैमिली। जिस तरह बड़े शहरों में कहते हैं ना कि जिस तरह के पेंडू लोग होते हैं, हमारा दूध दही का काम था। जैसे जैसे काम बड़ा हुआ, वैसे आगे मैं बड़े स्कूलों में आ गया, अमीरजादों के साथ पढ़ने लगा। पहले मेरी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते थे, जब अंग्रेजी आ गई तो मेरे एक्सेंट का मजाक उड़ाते थे।
I was bullied a lot growing up. इसलिए मैंने एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया कि मैं जहां भी हूंगा अगर मैं वहां पे सबसे फनी हूंगा तो शायद मेरा कोई मजाक ना उड़ाए और ये डिफेंस मैकेनिज्म एक आदत बन गया मैम मगर हां कभी किसी का दिल नहीं दुखाता मैं अंग्रेजी भी आ गई है मगर कभी अपनी पंजाबी पर शर्मिंदा नहीं हुआ मैं ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बिलाल व्हाट्स द क्वेश्चन Okay, Bilal, who do you love more, your mother or your father, and why? When it comes to my mom, I just couldn't develop any feelings for her. वो मुझे कभी अपनी माँ नहीं लगी. But लव की बात की जाए तो आई लव माई डैड एंड आई मिस हिम ओके कोई और अबे साथ तू बताना यार अपना हम दोनों एक ही गांव से हैं और इसके साथ साथ हम दोनों एक ही स्कूल से भी पढ़े हैं साथ पढ़ते थे हम एक ही स्कूल में और जैसे हमारी बॉन्डिंग है ना वैसे ही हमारे पेरेंट्स की भी है और आई एम ग्लैड कि आप सब जैसे बड़े अच्छे दोस्त मिले यहाँ आके नेक्स्ट मारिया Hey, Maria, who's your best friend? When I was 9 years old, I lost my mom. Mama 3 mahine ke liye bimar thi, so everybody thought that I'd be mentally prepared, but there isn't anything that can mentally prepare you for something like that. Papa ne puri दुनिया मेरे पैरों में ला के दी देयर्स नथिंग यू कैन बाय दैट कैन फिल दैट वॉइड आई वाज डेविस्टेटेड पापा मूव्ड अस टू अ डिफरेंट सिटी सो दैट आई कुड बी फार अवे फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ माय मॉम एंड देन आई एंडेड अप हियर एट दिस स्कूल एंड सैम Bahaj, Bilal, and Usman. And I started laughing again. You guys all know me as this stupid girl who's always taking pictures and smiling and shopping. But that's because I know that at the end of the day, my friends are always gonna care about me. That's because at the end of the day, I know my friends are always going to be there for me. Love you. मुझे लगता था कि सिर्फ दुनिया के सारे गम मसले सारी रुकावटें सिर्फ मेरी ही जिंदगी में बट टुडे आफ्टर लिसनिंग टू ऑल ऑफ योर स्टोरीज मैंने एक चीज रियलाइज की है और वो ये है कि हम सब
इसी तूफान में से गुजर रहे हैं, हम सब अपनी ही जंग लड़ रहे हैं। But you know what's funny? It's that एक चीज है सिर्फ जो हम सब को यूनाइट करती है, सब में एक ही चीज कॉमन है, और वो हमारी दोस्ती है। It's our love. This group. I mean, I don't know what I would do without you guys, and I wanted to just pay you back with the one thing that I know, and that is music. और याद है जब मेरा जिंगल हिट हो गया था, तुम सबने ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे तुम लोगों का अपना जिंगल हो। सो उस रात को मेरे दिमाग में ट्यून आई एंड I wrote a song for you guys, and I want to play it today. लगता ये ख्वाब है ऐसी ही बात पे हम तुम जो साथ हैं इस मीठी रात में दिल भी कुर्बान है यारी के नाम पे एक दिन की जिंदगी जीने के वास्ते ओ यारा तेरी यार यारियां 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 ओ यारा तेरी यार कैसा एहसास है मौसम ये खास है बिछड़े ना हम कभी जीने की आस है ओ यारा तेरी यार यारियां 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 ओ यारा तेरी यार क्या भाई सुबह सुबह उठा दिया चुप कर तुझे कितनी बार कह दिया ना बोला चुप्पड़ मारूंगा सोच लेने दे यहाँ से कैसे निकलना भाई भाई भाभी अबे ये यहाँ पे क्या कर रही है भाई लेट पे तो नहीं आई आवाज बंद कर भाभी है तेरी माशाल्लाह माशाल्लाह
देख बेटे तेरी मेरी माँ की तो ख्वाहिश पूरी हो गई, ऐसी तो बहू चाहिए तू। नोमी, तुझे पता है स्विस किनाल पे ना शिप फंस गई थी। पता है, और मेरे अब्बा के भी 20 कंटेनर फंस गए वहां पे। अरे उसमें तो टॉयलेट रोल्स थे। और तो हाँ, मेरे अब्बा के भी तो टॉयलेट रोल्स का ही काम है। कुछ सोच रहे हैं? नहीं, नहीं तो मैं आंखें पढ़ लेती हूँ, मुझे पता चल जाता है। Actually है कुछ मेरे ज़हन। क्या? Actually I'm missing my routine, my cup of tea, my news time, my room, I mean my comfort, everything. I mean हम पूरा इस excursion का point ही ये था कि हम routine life को break करें, थोड़ी you know greenery में आके थोड़ा सुकून करें, ताज़ी ताज़ी हवाएं खाएं। और आप बोल रहे हैं कि आप उतना रूटीन मिस कर रहे हैं। I mean, look at all of this. आप ये क्यों मिस करना चाहेंगे? It's stunning. I'm not missing any of it. I'm enjoying it. But yeah, बंदा रूटीन मिस कर सकता है। And secondly, आपको नहीं लगता कि ये वक्त का ज़िया है? I mean, we aren't doing anything productive right now. तो हर वक्त हर रोज कुछ प्रोडक्टिव करना, is that important? कभी कभी ब्रेक लेनी पड़ती है। I mean, आप कुदरत को देख लें, विंटर स्प्रिंग ऑटम समर हर चीज का एक वक्त होता है, रुक के सांस ले लेनी चाहिए। आई मीन सोचें कितने ऐसे लोग हैं जो तरसते हैं, जो तरसते हैं कि यू नो एक सिंपल वॉक कर सकें, चल सकें, घूम सकें, लेकिन उनको वो मौका ही नहीं मिलता। वेट, आप वॉक नहीं करते ना, स्पेशली इन ग्रीनरी लाइक दिस? अब आपसे तो कुछ छुपता नहीं है तो या आई डोंट। तो चलें, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्रीनरी में सुकून के एक वॉक लेने से कितना असर पड़ता है आपके ज़हनी तवाज़ुन पर। आ जाएं। ओह गॉड, टायर्ड। हेंग, कैसे हो सर? गुड। हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड। वैसे आयशा, तुम्हें पता है तुम ना हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो। मतलब एथलीट हो, हिजाब करती हो, नमाजें सारी पढ़ती हो, और तुम्हारे ग्रेड्स भी इतने अच्छे आते हैं। तुमसे ना बड़ी पॉजिटिव सी वाइब आती है। फ्यूचर में ना तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। चलो जी, हो गई इसकी डे ड्रीमिंग शुरू। तो यार ये तो अच्छी बात है ना, यही तो वो चीज़ है जो इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने का हौसला देती है, ताकत देती है। वैसे आयशा, मैंने एक बात नोट की है कि तुम कोई भी नमाज मिस नहीं करती ना। ये तो है यार। एक्चुअली ना पापा एक बात कहते हैं कि लाइफ बिल्कुल रेस की तरह होती है, जैसे हर रेस की एक स्टार्टिंग लाइन होती है और एक फिनिशिंग लाइन होती है। हाँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आम रेस में तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन होती है, लेकिन ज़िंदगी की रेस में या तो जीत है या फिर हार, लेकिन असल जीतना सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने में। आ गए हैं प्रिंस साहब। मत करना यार। ओए प्रिंस, तेरा मुंह को गुस्से से लाल पीला हो रहा है सुबह सुबह। एक तो सुबह 5 बजे तक हल्ला गुल्ला करते रहे हैं, ऊपर से इन कॉलेज वालों ने सुबह सुबह उठा दिया। केस कर देना मैंने इन पे। जी जी अंकल उस्मान, हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं। तो मतलब तुम्हारा ये है कि जिस दिन हमने कैंपिंग करनी है उसी दिन हम शाम 6 बजे तक सोए रहे हैं। हाँ तो और, सोने आया था मैं इस कैंपिंग ट्रिप पे, उधर घर चाची मामा दादी कोई सोने नहीं देता और यहाँ पे ये सोने नहीं देते। ओए बेटा साद, अंकल उस्मान की बात गौर से सुन। कल रात जो उस कमरे में हुआ ना, वो तूने किसी को नहीं बताना, याद से ठीक है? मैं क्या बताऊंगा किसी को, मुझे तो कुछ याद ही नहीं।
मैं तो पहले बेहोश हो गया था। क्या? तो मतलब तुम बेहोश हो गए थे और तुमने कुछ भी नहीं देखा? ऐसा क्या था जो आप सब कह रहे हो कि किसी को नहीं बताना? कुछ भी नहीं था। वो बाबा नहीं था, उसके कच्चे थे, उसकी बनियाने थी, पर्सनल यूज के लिए कमरा रखा हुआ था उसने, होटल के मालिक से छुपाया हुआ, ठीक है? ये था वहां पे, पढ़ ले पट्टी। और जब तुम्हारी चैंपियनशिप शुरू होगी तो मैं इसकी व्लॉग बनाऊंगी। My Instagram family would love that. Hello? क्या? पापा को हार्ट अटैक? आपने कभी ना कभी एक मॉनिटर पर हार्ट लाइन को चलते हुए देखा होगा, टीवी पर या फिल्म पर। कुछ बीट्स ऊपर, फिर कुछ बीट्स नीचे, अप डाउन अप डाउन, बिल्कुल जिंदगी की तरह। अब आज की ही बात है कि हम कैंप के दौरान अपनी जिंदगी के सबसे ऊंची बीट पर थे और आज ही अपनी दोस्त के बाबा को अब जिंदगी और मौत से लड़ते हुए देख रहे थे। यह हमारी जिंदगी के उन चंद लो बीट्स में है जब उस्मान की अंदर की सारी मस्ती गायब हो जाती है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग दुआ कीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि परेशानी की कोई बात नहीं, बाबा कल तक बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं तेरा शुक्राने के दोनों बिल पढ़कर आती हूँ। घबराओ आयशा, कल तक सब बेहतर होगा, हिम्मत मत हारो। सिर्फ एक दिन के लिए गई थी, देखो बाबा ने अपना क्या आशा कर लिया। यकीन कीजिए, उस्मान की संजीदगी एक ऐसा मंजर है जो हमारे ग्रुप को भी कम देखने को मिलता है। मुझे नहीं पता कि इंसान की जिंदगी में गम क्यों आते हैं, लेकिन इतना जरूर जान गया हूँ कि गम के वक्त इंसान एक दूसरे से जितना करीब आता है उतना किसी वक्त नहीं आता। आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं इनके साथ ही हूँ और अगर वैसे भी कोई मसला हुआ तो आई विल कॉल यू। आप घर जाएं सुकून से। आयशा बस बच्चों की तरह रो रही थी और हम बेबस उसे बस देख रहे थे। अच्छा तो फिर मैं बाबा को बोलूं कि मुझे भी छोड़ जाएं वहां पे? क्यों, तू हार्ट स्पेशलिस्ट है, तू क्या करेगी आखिर, जो करना है डॉक्टर कर रहा है। और हम यहाँ इसलिए रुके हैं क्योंकि आयशा रुकी हुई थी यार, और हम नहीं चाहते थे कि वो अकेली रहे। लेकिन ये हुआ कैसे, वो तो बिल्कुल ठीक थे। आजकल हर खाने में तो प्रिजर्वेटिव्स और फूड कलरिंग जैसा गंद होता है, और जिन खानों में ऐसी चीजें नहीं होती उन चीजों में मिलावट होती है। मेडिकल साइंस बेशक आगे चलेगी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे चलेगी भी यार, इंसान अंदर से खोखला हो चुका है। मेरी दादी कहती है जो बीमारियां इंसान को 80 साल की उम्र में जाकर हुआ करती थी ना, अब वो जवानी में ही हो जाती हैं। मेरी बात सुनो अंकल, तो ठीक है मगर तुम क्यों इतनी सीरियस हो रहे हो? बच्ची की तरह रो रही थी यार, हम कुछ नहीं कर सके, चुप करके देख ही रहे थे बस। अच्छा चलो तुम परेशान ना हो, सब लोग दिल से दुआ कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है? ओके बाय। हाँ बेटा खाना खा लिया? जी। लगता है हार्ट अटैक बहुत सीरियस है ना? जी माँ, शायद इसीलिए डॉक्टर ने कुछ तसल्ली बख्श नहीं कहा। हाउ इज आयशा?
एग्जॉस्टेड, जब से आई थी बस अंकल के बेड के पास खड़ी थी, अभी बाहर वेटिंग रूम में थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। यू शुड ऑल्सो रेस्ट। मुझे नींद नहीं आ रही, लाइफ इज सो फ्रेजाइल, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए शायद हर मोमेंट इज स्पेशल। इसीलिए तो कीमती है। मामा, आयशा इतनी अच्छी लड़की है, पता नहीं अच्छे लोगों को इतना दुख क्यों मिलता है। बेटा, ये जो गम होता है ना, गम परेशानियां, ये उस प्रेशर की तरह होती हैं जो कोयले को हीरा बना देती हैं। ये अंदर से आप में डेप्थ क्रिएट करती हैं, आपको मजबूत बनाती हैं। व्हाटएवर पेन आयशा इज गोइंग थ्रू राइट नाउ, यू विल सी इंशाल्लाह शी विल इमर्ज मच स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर। एंड बाय द वे, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि तुम उसके साथ रही हो। आई लव यू मॉम। लव यू टू मेरी जान। क्या अपडेट है? हमारी बेटी बड़ी हो गई है। कॉलेज में आ चुकी है ना? कब बड़ी हुई पता ही नहीं चला। याद है जब आयशा को पहली दफा देखा था, कोई उसे ग्रुप में भी लेना नहीं चाहता था। उस्मान ने तो मुंह पे ही ना कर दिया था। और अब देखो उसे टहलता फिर रहा है, और सुबह कैंप में रो रहा था कि मैंने सुना है। हाँ, सारी जिंदगी खुशियां और गम बांटने की जो उसने कसमें खा दी है। कल सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं, बट कल जो भी होता है, दिस आई नो के हम आयशा के साथ होंगे। चल इसी बात पर कॉफी भाई को दे दो। कभी नहीं सुधरेगा तू। परफेक्शन को और कितना परफेक्ट है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि इंसान की जिंदगी में गम क्यों आते हैं, लेकिन इतना जान गया हूं कि गम के वक्त में इंसान जितना एक दूसरे के करीब आता है उतना किसी वक्त भी नहीं आता। बेफिक्री में झूमे जैसे हो बंजारे, ऐसे है तेवर जैसे फलक के तारे। कैसा एहसास है, मौसम ये खास है, बिछड़े ना हम कभी, जीने की आस है। ओ यारा तेरी यार यारियां, 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 ओ यारा तेरी यार यारियां। आयशा का कोई बहन भाई नहीं था। हम तीनों को सीट पर सोता देख के उसको पहली बार लगा कि शायद वो अकेली नहीं है। ये सच है कि दुआ में बहुत असर होता है। आयशा की दुआ थी कि उसके अब्बू के साथ साथ उसके दोस्तों की तकलीफ भी दूर हो जाए, और खुदा ने उसकी दुआ सुन ली। मेरा ख्याल में शाम तक वाले साहब को अपने घर ले जा सकते। आपकी वजह से मेरी आज की एक्सरसाइज भी मिस हो गई। अरे मेरा शेर, इतनी सी बात पे रो रहा है? जब तक तुम नेशनल नहीं जीत देते बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा। आप कभी भी कहीं नहीं जाएंगे पापा। पापा
पापा ही मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, हमारे साथ सारी रात यहीं थे, बहुत हेल्प की। क्या नाम है आपका? अंकल मैं एनी हूँ। उस्मान। वहाज। सुना था बेटा, खानदान वो होता है जो ऊपर वाला आपको देता है, आप चूज नहीं करते हो। दोस्त वो फैमिली होती है जो आप चूज करते हो। आज आप तीनों ने साबित कर दिया कि आप आयशा के बहुत अच्छे दोस्त हो। वाकई बेटी, तुमने बहुत अच्छे दोस्त चुने। यू नो, बच्चों को दवाई पसंद नहीं होती क्योंकि वो कड़वी होती है, लेकिन सच तो ये है कि दवाई बच्चों की बिगड़ती सेहत को ठीक करने के लिए होती है। उस दिन हम में से कुछ को ये बात समझ आ गई थी कि सर कमर उस कड़वी दवाई की तरह हैं, लेकिन वो हमारे मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल ठीक थे। खोया खोया सा ये रास्ता, नया सफर शुरू हो गया। खोया खोया सा ये रास्ता। और इस तरह स्लो बीट के बाद हमारी जिंदगी की एक अपबीट शुरू हुई और उस्मान ने पूरे कॉलेज में मिठाई बांटी। क्या कर रहा है भाई? मिठाई के बहाने लड़कियां सेट कर रहा है। नहीं नहीं जहांगीर भाई, वो अब आपके ससुर को हार्ट अटैक हुआ था। हैं? अबे साले, मिठाई खुशी के मौके पे बांटी जाती है या हार्ट अटैक आने पे? नहीं नहीं जहांगीर भाई, हुआ था। पूरी रात आपका भाई अस्पताल में तीमारदारी करता रहा है, सेहत याद किया उन्हें बड़ा जोर लगा के। ठीक है अब। अबे हम खिलाने वालों में से हैं, हम मिठाइयां बांटेंगे। आप जाएं, बांटे मिठाइयां लेकर आएं, खाएंगे क्यों हम? बात तो सही कर रहा। चला एक और डब्बा लेकर आए भाई। एक चलना। अबे निकल, भूखे आ जा। आखिरकार मौका मिल गया खाने का। थैंक यू सो मच फॉर द स्वीट्स उस्मान। अब ये हाथ मत लगाओ, लोगों को लगेगा हमारा अफेयर से फेयर चल रहा। ऐसे ना बहुत बड़ी आइटम ही हो तुम तो। हाँ ये तो सबको पता, कुछ नया बताओ मुझे। सो नाउ यू नो व्हाट टाइम इज ऑल अबाउट। एनी क्वेश्चंस? सर सर, डू यू थिंक टाइम ट्रैवल विल बी पॉसिबल इन द फ्यूचर? नो। बट सर, बहुत सारे साइंटिस्ट इस चीज को मानते भी हैं और उनके पास इसको साबित करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज भी हैं। वेल, इट इज द curiosity of achieving the impossible that has brought science so far. But I don't think there is anything called time machine there. Dekho beta, jo waqt guzar gaya, so guzar gaya. Aap usko revisit nahi kar sakte, it will never come back. That is why time is the most precious commodity. And we have it in abundance and we waste it thinking, well, it is always there, but it is not going to be there. So save your time and work hard. देखो बच्चों, कभी कभी मैं तुम पे सख्ती करता हूं। I am harsh and tough with you, and I hope that you understand why I do that, you know. But you prove me wrong all the time. लेकिन आप देखना, एक वक्त आएगा जब आप देखोगे कि देर हो चुकी है। You want to go back, but you can't because there is no time machine. Believe you me, there is no such thing. So, don't waste your time. Achieve your goals and your dreams because time is limited. Limited. Okay? Everything okay, Sir Zaman? Why? Does anything not look okay? You are smiling. That's rare. What do you mean by that? मतलब आप तो उसी वक्त मुस्कुराते हैं ना जब कोई ना कोई प्लान बनाते हैं बच्चों की जिंदगियां मिजरेबल करने का। So I'm sure you must have thought of something horrible. What exactly do you mean by that? I think I've made myself very clear. You actually think that I spend all my day planning how to make my students' lives miserable? Absolutely, yes. I'm disciplining them.
डिसिप्लिन इज वेरी हार्ड एंड इट इज वेरी हार्श. दे माइट नॉट लाइक मी नाउ बट कल जब वो दुनिया में जाएंगे और कामयाब इंसान बनेंगे दैट इज द डे दे विल टू लव मी. Oh no 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 no, Sir Kamar Zaman. They are not going to love you. No one can love you. Believe me. मैं 30 साल से आपके साथ रह रही हूँ. एक लम्हे के लिए मुझे आपसे मोहब्बत नहीं हुई. एक लम्हे के लिए. तो when did you marry me? बगावत कर दी थी खानदान में. पर वो एक और वक्त था ना. I was stupid. अंधी हो गई थी मोहब्बत में. कौन सी मोहब्बत? तुम्हारे अंदर तो रत्ती भर में मोहब्बत नहीं है. पत्थर की औरत हो तुम. हाँ हाँ, आपके अंदर तो जज्बात के दरिया बहते हैं ना, समंदर बहते हैं. नफरत और गुस्से के अलावा कोई जज्बा नहीं है. बड़े आई शहंशाह जज्बा. आ जिंदगी ले जा तू.